हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं लेकर आ गई हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट कहिए, नेट से रिलेटेड, नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए इसे देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो देखते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। साहित्यिक जो स्रोत हैं उनसे रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का अपना अलग महत्व है। हालांकि इसमें अनेक त्रुटियां हैं, ऐतिहासिकता एवं तिथि क्रम का अभाव है, विवरण में अतिशयोक्ति है, फिर भी ये स्रोत भारतीय इतिहास में जितना अधिक प्रकाश डालते हैं उतना अन्य कोई स्रोत नहीं। उपलब्ध भारतीय साहित्य में धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ को सम्मिलित किया जाता है। इनके विवरण इस प्रकार से है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किन्हें कहते हैं आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत हमारा सिंधु घाटी का सभ्यता आता है, क्योंकि वहाँ पर जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो उनकी लिपि अपनी है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसके कारण उसे ऐतिहासिक में ना डाल के अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में डाल दिया गया है। तो आगे देखते हैं, वेद साहित्य या श्रुति ब्राह्मण धर्म में सर्वश्रेष्ठ स्थान वेदों को प्रदान किया गया है। ये संख्या में चार हैं, जो संख्या में चार में है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, इन्हें वेद त्रय भी बोला जाता है। जब इनको ये मैं अलग से आपको बता रही हूँ, जब वेद त्रय बोला जाता है तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को रखा जाता है, अथर्वेद को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस पर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने जो मेरे वीडियो हैं ओल्ड पेपर के ऊपर वो देखे होंगे तो आपको पता होगा, इन चारों वेदों में सबसे प्रमुख एवं प्राचीन ऋग्वेद है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, जो कि आर्यों के प्रारंभिक जीवन का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि आर्यों के विषय में पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी नहीं होती है। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 10 सौ 28 सूक्तियाँ हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कितनी सूक्तियाँ हैं ये भी किसी किसी पेपर में पूछ देता है। और मूल रूप से ऋग्वेद के दूसरे से नौवें मंडल हैं, यानी और जबकि प्रथम और दसवां जो मंडल है वो बाद में जोड़ा गया, यानी कि जो नए मंडल हैं वो दो से नौ के जो मंडल है वो बहुत ही पुराने हैं, जबकि प्रथम और दसवां जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। इस ग्रंथ में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। सर्वाधिक मंत्र इंद्र देवता पर समर्पित है। ये इम्पोर्टेंट है कि किस देवता के मंत्र सबसे ज़्यादा हैं, तो इंद्र के हैं। इसके बाद अग्नि दूसरे नंबर पर आते हैं, इनके मंत्र दिए गए हैं। यह वेद ईरानी ग्रंथ जेद अवस्था से समानता रखता है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो ईरान को ध्यान में रखिए कि ईरान से समानता है जेत अवेस्ता से। और दूसरा प्रमुख वेद सामवेद है। साम का अर्थ होता है गान, अतः इसमें ऐसे सूक्तों एवं मंत्रों का संग्रह है जो यज्ञ के समय गाए जाते हैं। इस वेद में 1550 मंत्र हैं, जिनमें से केवल 75 ही नए हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद, अभी ये तीसरा वेद आ गया है, यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों संबंधी विधि विधानों का संग्रह है। इसकी 5 संख्याएं कांठक और कपिष्ण और मैत्रिणी और तैत्रीय व वजस्नेय है। इसमें से प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से व अंतिम शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यह वेद उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रमुख साधन है। आगे देखते हैं, यहाँ स्कैन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। अंतिम और चतुर्थ वेद अथर्वेद है। यह 20 मंडलों में विभक्त है तथा इसमें 771 पद
रचनाएं हैं, कुछ ऋचाएं इसमें गद्य में भी हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद की अब बात कर रहा है, 4 नंबर का जो वेद है, जादू टोना भूत प्रेत ताबीज चिकित्सा धनुर्वेद से जुड़ी बातों का उल्लेख है। इस प्रकार भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो ये हो गया चारों वेदों के बारे में, थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए चारों वेदों के बारे में कि किसमें क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है। तो वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, इन्हें पद्य में लिखा गया है। ये पूछा जाता है कि किसमें लिखा गया है, तो ये पद्य में लिखा गया है। इसमें वेदों की टीका भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वेदों की टीका किसे कहते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं। उत्तर वैदिक आर्यों की सभ्यता पर इन ग्रंथों से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ एक वेद से संबद्ध है। ऐतरेय एवं कौशित की ऋग्वेद से शतपथ, शतपथ यजुर्वेद से पंच विश ब्राह्मण, सामवेद से तथा गोप ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़ा है। तो कौन किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, ब्राह्मण आर्य ग्रंथों के राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। अरण्यक, अरण्यक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अरण्यक ऐसे ग्रंथ है जिनकी रचना एकांत में, एकांत में कहिए या जंगल में की जाती थी। इसमें जो दिया है, जिसकी रचना एकांत में चिंतन के फलस्वरूप हुई या वनों में निवास करने वाले ऋषियों के मार्गदर्शन में हुई। इसमें यज्ञ विधियों के स्थान पर अध्यात्म चिंतन को दिया गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। प्रमुख आरण्यक आप थोड़ा सा देख लीजिए, ऐतरेय तैतरीय मैत्रीय और सांख्य तल तलवरकर हैं। तो ये हो गए आरण्यक। इस मुख्य इसमें यही बात है कि इसकी रचना जो भी है हुई है वो जंगलों में हुई है, एकांत में। आगे देखते हैं, उपनिषद की बात कर लेते हैं। उपनिषद इसमें दिया हुआ है, जैसे कि उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप नि और षद। 3 शब्दों का, 3 शब्दों का समन्वित रूप जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निष्ठापूर्वक निकट बैठना, अर्थात वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर उसके सानिध्य में प्राप्त किया जाता है, उपनिषद कहलाता है। इसका जो शब्द का अर्थ है बस वो जान लीजिए। फिर अन्य अन्य अर्थ में इसका आशय उस विधि से भी है जो मानव को ब्रह्म के समीप बैठा देती है, अर्थात जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ भी स्कैन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, धुंधला हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। वेदों का अंतिम या सार भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया है। किसे कहा गया है वेदांत, तो उपनिषद को कहा गया है। इसमें यज्ञ विधियों अनुष्ठानों के स्थान पर दार्शनिक चिंतन की परंपरा दृष्टव्य है, जहाँ आत्मा एवं ब्रह्म का एक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है, ये इम्पोर्टेंट है। उपनिषद की संख्या पूछता है तो आपको 108 बताना पड़ेगा। इसके बाद है उपनिषदों में जीव आत्मा परमात्मा ब्रह्म कर्म तथा सृष्टि से संबंधित दार्शनिक और रहस्यात्मक प्रश्नों की विवेचना की गई है। एक मिनट, हाँ, विवेचना की गई है। फिर कुछ पॉइंट्स इसके बारे में दी गई है तो देख लेते हैं। एक तो पॉइंट है कि उपनिषद में निहित अद्वैतवाद संबंधी अवधारणा को कालांतर में बदरायण और शंकराचार्य ने सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। फिर दूसरा पॉइंट दे रहा है, प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से उद्गत है। ये इम्पोर्टेंट है,
इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद उपनिषद में विवाह विहित प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, फिर इसमें दिया है उपनिषदों में विहित प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, तो कठोपनिषद, यम, नचिकेता। फिर दूसरे पॉइंट में दिया गया है छांदोग्य, ये हो जाएगा श्वेत केतु उद्वालक संवाद। फिर उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद, यज्ञवल्क्य, मैत्रीय संवाद। प्रमुख उपनिषद निम्नलिखित हैं, इसमें ईश और केनो उपनिषद, कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, श्वेतरा श्वेत्रोपनिषद इत्यादि दिए गए हैं। इसके बाद आगे देखते हैं,